एक तिल चट्टा से इतना बड़ा हंगामा। एक बार बात कह देला से समझ में नहीं क्या अवध का तारा कितना बेर समझाई का बात हो मैं अब कहो गए आलोक तू लोग अपना खातिर नया चूल्हा मंगवा ले कहे कि हम नहीं चाहत के केहू पराया इंसान हमार चूल्हा के छुए भी और ओकर माथा के सब पाप हमार माथा पर चढ़ जाए अपन फूल कुमारी बेटी के इतना जरूर समझा दी हो कि वो हमरा से दूर रहे माजे माजे रुआ इसन काहे करता नहीं हमने के इतना बड़ सजा काहे देता नहीं माई हमारी बात सुनी ना देखिए एक घड़ी रुआ बहुत गुस्सा में बानी और गुस्सा में लेहल कोनो फैसला अच्छा ना हो खेला माई एक घर में रह के एक छत के नीचे तू चूल्हा रखल ठीक बात नहीं की हमार बात माने रवा पहले शांत हो जाए आराम से सोच विचार ली ओकरा बाद रवा जे भी कहब ना हम नहीं मान ले नाना आलोक ऐसे तो ई घर में रोज किचकिच होते रही ऐसे अच्छा बा दूगो चूल्हा हो जाए तब लोग शांति से रही लेकिन अम्मा जी शांति तब परिवार के साथ मिलजुल के रहे में आहिला ना परिवार परिवार ऐरा गैरा की सड़क पे से उठा के परिवार ना बनेला परिवार ना बनेला ठीक बा तू ओकरा क्या अपन माथा पे बैठावा पर हमनी के नाम से मत जोड़ा हमनी मान सम्मान वाला कुल से बानी सड़क छाप नेखे बानी जा इंदु चुप बोले से पहले एक बार सोच लेल कर नहीं जा केहू भी सड़क छाप नेखे हाँ भैया यह तो हमने भी मानत रह लीजा पर ये बुरा भाई कि माई ओकर कुल सच्चाई पहले से जान सकी अम्मा जी सब रोवे हाथ में भा हमने के फेर से जैसे पहले रहत रनी जा हसत के ले वैसे रह सके नहीं जा रोवा गुस्सा छोड़ देना अम्मा जी हम हूँ तारा के कुछ और छोड़े खातिर कले रन हमार बात मान लू का नानू यही से कहता नहीं कि बार बार एक ही बात बोल के हम भी थक चुकल बानी खुद भी शांति से रह और हमरा के भी अपन घर में शांति से रहे था अरे का हो गई बा हमरा समझ नहीं किया बात आए रहुआ ऐसे बार बार दिल दुखाए वाला बात करत रहे नहीं आलोक हम तहरा के या फिर तहारी परिवार के हमार घर छोड़ के जाए खातिर नहीं की बोलत सिर्फ और सिर्फ ही चूल्हा के अरग करे खातिर बोलत आनी समझ में नहीं क्या अवध का तहरा के का हमारी का हमार तहार कहले बानी रहुआ अरे केहू ऐ जा पराया नहीं की माई हमने सब लोग एक बानी एक के परिवार बा हमने के एक के परिवार रहे
बाकी अब नहीं खे हमनी सब अब एक घर में एक छत के नीचे एक परिवार में तो जरूर रह लेकिन पराया बनके छी कैसन समय आ गए बफुआ कि एगो लड़की के चलते एगो हसत खेलत परिवार बिखर गई। बस करी इंदु दीदी बहुत हो गए। अरे वो मासूम पे कितना आरोप लगा। अरे इंसान से ना तक कम से कम छठी माई से तो डरी। उनकर लाठी में आवाज ना हो सुने ना रोवा जाए एक घर के बाद बा हम संभाल ले। कैसे जानकी ये हाल में हम रोवा के छोड़ के कैसे ना, हमारे बात सुनी रोवा जाए हम कहनी ना हम सब संभाल ले। आ देखी ना बार बार में फोन आवा था रोवा जाए को ना जरूरी काम हो हे छठी माई हम तो सुनले बानी कि बच्चा लोगन के कुल गलती के सजा माई बाबूजी के मिलेला लेकिन हमरा के नहीं पता कि तिलचट्टा लोटा में कैसे आई तो गलती के सजा हमार माई बाबूजी के कहा मिलता बोली ना माई अगर रउआ आँख में हमार कोनो गलती दिख रहल बा तो हमरा के सजा दी हम सहले या फिर ओकरा के सजा दी जे सच्ची में गलती कैले बा जय हो छठी माई। ऐसन दिमाग लगौली कि फुआ भी हमार चाल देख के चकरा गईली। माई तो मिठिया पे एकदम आग बबूला हो गई। पहली बेर ओकरा के मारे बढ़ली। सोचत बाड़ू इंदुरानी इतना मासूम और सुंदर चेहरा के पीछे सातर दिमाग भी हो सकेला। एगो तिलचट्टा से इतना बड़ा हंगामा भई गई। चिल्ला रहल बाड़ू बुआ ये देखिए ये
तो नहीं जटक बता रहा का बा पीठ पे तरह कुछ तो नहीं के ठीक बा सब का बोला तुम्हें लौरा खराब हो गई बा चक चक करई वो इतना साथ मिल सकता बा का तुम्हें कुछ नहीं के पगला गल बाड़ू का इंदू कुछ नहीं के तार पीठ पे एकदम साफ बा हुआ हटाए नहीं करके हटने नहीं के कुछ नहीं के तारा पीठ पे तारा कुछ वहम हो गेल हो की अरे वो माजूम पे कितना आरोप लगा इंसान से नाटक कम से कम छठी माई से डरी उनका लाठी में आवाज ना आनी फुआ हम बूझ गए नहीं हम खुल बूझ गए नहीं फुआ छठी माई के प्रकोप बा फुआ छठी माई के का कहता हूँ इंदुन छठी माई के प्रकोप हाँ फुआ ये सच बा कि माई के लाठी में आवाज ना हो खेला फुआ हमरा के अपन पाप की माफी मांगे के पड़ी माई से वरना तो हम मर जाए हम आवत नहीं माई हम आवत नहीं माई इंदु 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 बाल किशोर बाल किशोर बुझाता आज एकरा के पागलपन के दौरा पड़ल बा छठी माई हमरे के माफ कर दी छठी माई हमरे के माफ कर दी हम आज के बाद ऐसी गलती कब्बो ना करब माई हम सच कहते हैं बस बस एक बार माई हमरे के माफ कर दी माफ कर दी माई माफ कर दी भे उतर गेल तिलचट्टा के भूत तहार दिमाग से माने पीठ से हमार भूत तो उतर गई फुआ बाकी जे भूत के घर में घुस कर बैठल बा ओकरा के जल्दी से जल्दी निकाले के पड़ी हम तो अब तक खाली राउर हाँ में हाँ मिलावत रहली फुआ आज हम साक्षात देख ली पुआ वो मिठिया था बहुत बड़ जादू करने वाली पुआ पुआ वो सच में जादू करत रहले हम साक्षात देख ली पुआ हम तो एकरा के फसावे खातिर खाली एगो तिल चट्टा लोटा के पानी में डालनी पर ये नीता हमार पीठ पे इतना सारा तिल चट्टा डाल दिली पुआ हट एकदम चुप कब से बकर बकर कहले बाड़ी बड़का मिठियान करा पीठ पे तिल चट्टा भर देले हाँ पुआ रघुआ हमार विश्वास काहे ना करे तनी पुआ हम सच कहा तनी पुआ जब हम छट्टी माई के पास अपन पाप के माफी मांगने गईली ना तो कुल तिल चट्टा भाग गई और मिठिया भी ओझे बैठ के मंत्र पढ़त रही हाँ इंदु बुझाता इधर भी तू कुछ ज्यादा ही फालतू की बात सोच रहा अपन दिमाग के इधर उधर भटकावा मत अरे अभी ये सोचा कि जवन जादू टोना करके हमने ई घर के एगो चूल्हा से दूगो चूल्हा के लिए बानी ओकरा के आगे कैसे लेके चलल जाओ जवन आग लगा के हमने ई घर के कुल सुख शांति भंग के लिए बानी ये सोचा कि वो आग के जानकी के मायके तक कैसे पहुंचावल जाए
हुआ भले ही रउआ आज हमरा कुछो कहे, बाकी हम बूझ गई कि ई मिठिया बहुत खतरनाक लेकी बाड़ी। इतना आसानी से केहू के वश में ना आई। बाकी हमरो नाम इंदु बा, इंदु एगो बिंदु लगा के अर्थ के अनर्थ कर देवेली। फिर ई मिठिया कौन चीज बाड़ी? छोड़म ना हम एकरा के। जी ना ना ठीक बा, हम देख लेते। केकर फोन रहे विशंभर? आओ केकर, जानकी के ससुराल से फोन रहे। वह तो बैठल भी हमार कुंडली में राहु अब केतु बन के। की तो हर जिंदगी के राहु केतु? अरे वह मिठिया बार बार बना के दी, लेकिन हमार कोई सुने तब ना हो गई महाभारत शुरू हो जाए। विशंभर पहली मत बिछावा, साफ साफ बतावा का बात बा। आलोक बाबू के बुआ जी के फोन रहे, घर में कोई काज भइल रहे, हवन होकत रहे, मिठिया के बदमाशी के चलते हवन में पानी गिर गए, गायत्री जी गुस्सा गई बहन, कर ले लिया अपन चूल्हा अलग। अरे कोई दूसरा के चलते कितना बर्दाश्त करी। हे छठी में ये तो गलती हो गई, लेकिन हमारा ऐसे नहीं बुझा कि मिठिया ऐसा कोनो काम गलती से कर लो। ना ना एकदम ना, मिठिया ना उहे छठी माई बाड़ी। देखिए अम्मा, हम फिर से कह दें, जानकी के समझाई, वो मिठिया से दूर रहे, वो मिठिया से छोड़े होकर मोह माया, इहे में सबके सुख शांति भलाई सब बा। विशंभर हमरा ऐसन काहे लागत था कि तू मिठिया के पीछे काहे पड़ल बड़ा? उ 6 बरस की बच्ची से तोहार का दुश्मनी बाटे? बताओ विशंभर, वो मासूम से तोहरा का दुश्मनी बाटे पिछला जन्म के कि ए जन्म के? अरे अभी जाम के खाड़ भी नहीं के भाई, लोकरा से हमार का दुश्मनी रही माँ। लेकिन सब कोई देख रहा है, जब से मिठिया आलोक और जानकी की जिंदगी में आई लिया, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। आज ही नौबत आ गई कि एक एक घर में दूध को चूल्हा जलत, लेकिन ना हम अपन बेटी की जिंदगी ऐसे बर्बाद होके ना देख सकते। वो मिठिया के कैसे हूँ करके जानकी के जीवन से निकाल के ही मानव रहा। चुप रहा विशंभर, चुप रहा विशंभर। शायद तू भुला गिल बड़ा कि आज मिठी की वजह से ही जानकी आज अपना घर में बसल बाड़ी। ना तो आलोक बाबू और जानकी के तलाक हो गिल रहे। देखा विशंभर, ब्याहल बेटी के जिंदगी में ज्यादा दखल ना दे जाला, ना तो घर बसे लेना उजड़ वाला। विशंभर हम थोड़ा से विनती करत नहीं, हम दादी के रूप में मिठी के अपना ले बानी, तू नाना के रूप में ओकरा के अपना ले बेटा। कबो ना मां, कबो ना मां, कबो ना मां, हमरा जीते जी ई कबो हो ना सके। हेलो पंडित जी, रोवा चल आई, एगो जरूरी काम बाटे, ठीक बनो। का भइल हमार मिठी के? माई हमरा के लागता कि दादी हमरा से दोस्ती करे नहीं की चाहत। ना मिठी ऐसन बात नहीं के, तू कबो नारियल देख ले बाड़ू, वो बाहर से कितना कठोर होखेला लेकिन अंदर से उतना ही मुलायम, एकदम मिश्री जैसन होखेला। वैसे ने तहार दादी बाड़ी, वो हमनी से बहुत प्यार करेली, बाकी ना वो चीज समय आयला पे ही देखल जाला। देखिए तहार दादी तहरा से ज्यादा देर तक नाराज नहीं हुई है, मान जाइए। कितना जल्दी माई? जल्दी है मान जाइए। बाकी तू ये बताओ कि तू का खाइबू, भोरे से कुछ खाइले नहीं खुनो? हमरा के भूख नहीं के लावल बा।
कैसे नहीं खेलागल? सुबेरे से तू कुछ नहीं क्यों खेले हमके देखे था पीठ में से तो चूहा की आवाज आता आता हम लगे भूख लागल बा खाना दो ना तो हम रोए लागब की जाना तारू बंदर कैसे बोलेला हमरा के भूख लागल बा खाना दो हमरा के भूख लागल बा हमरा के पूरी दो आ तारा के पता बा बिल्ली कैसे बोले ले अपने माई के याँ हमरा के भूख लागल बा अब बतावा जल्दी से तो का खाइबू ई बात बा अरे हमाय मीठी तो हंसते नहीं की तब भूख कैसे लगी आ हमरा के पता बा कि हमारे मीठी कैसे हंसी बताई ऐसे हाथ करा ऐसे कर अच्छा तू यही जरूर का हम तारा का थी कुछ बना के लेके आते ठीक बा हम आवत नहीं हे छठी माई हमार माई के चेहरा पर ऐसे ही खुशी बनाए रखी अगर हमार माई खुश रही है तो हमरा के सब कुछ मिल जाए जय छठी माई